आज हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करना है। चैप्टर 5 का पहला लेक्चर है और तरतीब के लिहाज से लेक्चर नंबर 30 बन रहा है। एक्सरसाइज नंबर 5.1 के पहले 3 सवाल के हम कुछ पार्ट्स को यहां पर करने जा रहे हैं। ये चैप्टर है फैक्टराइजेशन से रिलेटेड। फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं? किसी गिवन नंबर को उसके फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिख देने का प्रोसेस का नाम फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे आपके पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जिन्हें आप फैक्टराइज करना होगा। पहले सवाल में जो मेथड लेंगे फैक्टर बनाने के लिए वो होगा आपने कॉमन लेके करना तमाम पार्ट्स के अंदर। यहाँ पर आपके पास या तो 2 टर्म या 3 टर्म या 4 टर्म हो सकती हैं और आप इन्हें कॉमन लेके फैक्टर्स बनाने होंगे एंड दैट प्रोसेस विल बी नोन एज अ फैक्टराइजेशन। क्या है पहला सवाल? हमारे पास यहाँ पर 1, 2, 3 टर्म है, टोटल ट्राइनोमियल हमारे पास है। क्या करेंगे यहाँ गौर से देखें, क्या एक ऐसा है 2 एक ऐसा नंबर नजर आ रहा है जो इस 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 2 को भी डिवाइड कर सकता है। 2 क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन। फिर उसके बाद ए हमें हर जगह पे नजर आ रहा है और नॉट कॉमन। बी को भी देखें तमाम जगह पे नजर आ रहा है, इसका मतलब है बी भी आपने क्या ले लिया है कॉमन ले लिया। तो हमने टोटल जो कॉमन लिया हुआ है 2ab, इसलिए हम लिखेंगे टेकिंग 2ab एज कॉमन। 2ab कॉमन लेने का मतलब यह है कि आपने तमाम टर्म्स को 1 by 1 2ab के ऊपर डिवाइड कर दिया। ये लिखा हुआ पहली टर्म हमारे पास 2abc, तो इसका मतलब आपने जब कॉमन लिया 2ab कॉमन लिया तो 2ab 2abc कट गया और हमारे पास रह जाता है ओनली सी। इसी तरीके का से नेक्स्ट टर्म 4abx को भी जब आप 2ab पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जस्ट रह जाता है 2x। इन द सेम वे नेक्स्ट हमारे पास जब इसको डिवाइड किया कॉमन लिया तो क्या रह जाता है हमारे पास डी। दैट इज योर आंसर। बहुत छोटा सा सवाल है, एमसीक्यू भी बन सकता है इसमें से और शॉर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 1, 2, 3 टर्म्स का एक सवाल आया पार्ट नंबर 4। यहाँ पर भी देखिए 5 कॉमन नजर आ रहा है बिकॉज यहाँ पे 10 जो है वो भी 5 के टेबल पे आ रहा है, 20 वो भी 5 के टेबल पे आ रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर ए की पावर 1 है, यहाँ पे ए की पावर 2 है, यहाँ ए की पावर 3 है। तो आप स्मॉलेस्ट पावर ए की पावर 1 को कॉमन लेंगे, बी की पावर 2, बी की पावर 3, बी रेज द पावर 1, स्मॉलेस्ट पावर बी की पावर 1 ली कॉमन। इन द सेम वे सी क्यूब सी रेज द पावर 1 एंड सी स्क्वायर में से आपने सी रेज द पावर 1 स्मॉलेस्ट पावर को कॉमन लिया। अब वही वाली बात, अगर आपने कॉमन लिया तो कॉमन लेने से मुराद क्या है, आपने 1 बाय 1 तमाम टर्म्स को क्या करना है डिवाइड। तो पहली टर्म को डिवाइड करते हैं हमारे पास बनेगा बी स्क्वायर सी, दूसरी टर्म 10 ए स्क्वायर बी क्यूब सी को जब डिवाइड करेंगे तो बनेगा हमारे पास 2ab स्क्वायर, फिर 20 को 5 पे डिवाइड करते हैं 4, पावर 3 में से पावर 1 कम किया a की पावर 2 और यहां पर आपके पास c की पावर 2 भी एक पावर कम की तो c की पावर 1। दैट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी फैक्टराइजेशन है लेकिन यहां पर देखें आपके पास 3 टर्म थी पहले सवाल में और यहां 1, 2, 3, 4 टर्म्स आ गई, इनमें से भी आपको कॉमन मिल गया। अच्छा अगर आप देखें इसको कॉमन लेना स्टार्ट करें तो इसको रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं। यहाँ दोनों टर्म्स में हमें कुछ कॉमन नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है कि हमारे पे ए नजर आ रहा है कॉमन। तो फर्स्ट आपने इस पेयर में से ए को कॉमन ले लें, ए कॉमन ले लें तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 5x - 3y, यही लिखा। नेक्स्ट हमारे पास इन दोनों में देखें कॉमन लेंगे, एक तो कॉमन आ गया माइनस का साइन, माइनस का साइन जब आप यहाँ कॉमन लेंगे तो मतलब अंदर वाला ये जो प्लस है इसको हमने क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। इसके अलावा देखें और क्या कॉमन नजर आ रहा है, बी कॉमन नजर आ रहा है, तो इसका मतलब आपने कॉमन लिया माइनस बी और हमारे पास आ जाएगा 5x लिखा आपने। फिर ये जो प्लस का साइन है आपका माइनस पे चेंज हो गया क्योंकि 5 माइनस कॉमन लिया 3y। अब ये भी तो 2 टर्म्स है हमारे पास, इन 2 टर्म्स में से ये वाली ब्रैकेट सेम टू सेम मतलब आपने कॉमन ले 5x - 3y और यहां रह जाता है आपका a माइनस बी रह गया। दैट इज योर आंसर, ठीक है, क्योंकि इसको आपने एज ए प्रोडक्ट भेज लिया दो चीजों की शक्ल में और ये हमारे पास जो आपके फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है
नेक्स्ट पार्ट नंबर 4, यहां कॉमन लेने से पहले, फैक्टर बनाने से पहले आपने इसको एक्सपेंड करना है, ओपन करना है ब्रैकेट को। ये जो z है इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होगी। सबसे पहले zx2 या x2 z लिखें माइनस y2 भी z से मल्टीप्लाई होके y2 भी बन गया। इसी तरीके से ये x बाहर पड़ा हुआ है y2 से भी मल्टीप्लाई होगा तो y2 x माइनस z2 x आएगा। रीअरेंज करें यहां पर आप, मैंने यहां पे किस तरीके से रीअरेंज किया, अच्छा ये आपने रीअरेंज करना हिट एंड ट्रायल मेथड से, यानी कि आपने इसको रीअरेंज कर करके एक जैसे लाइक टर्म्स बना लिए। हमने किस तरीके से चेक कर रहे हैं, x स्क्वायर z को मिला रहे हैं आप थर्ड टर्म के साथ y स्क्वायर x के साथ, फिर हमने लिखा माइनस z स्क्वायर x लिखा और ये माइनस y स्क्वायर z को आपने यहां पे लिखा। अब यहां पर दोनों में आपको नजर कॉमन जो आ रहा है वह है x, x कॉमन लेने पे हमारे पास आ जाता है xz या zx पढ़ लें प्लस y पावर 2 थी और y स्क्वायर x x से कट गया, हमारे पास खाली रह जाता है y स्क्वायर। तो ये हमारे पास है नेक्स्ट, हमारे पास जो कॉमन आ रहा है इन दोनों में वो है कि z कॉमन है, z कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाता है zx, बाहर माइनस कॉमन लेने की वजह से ये वाला माइनस कन्वर्ट हो गया, चेंज हो गया आपका प्लस में और रह जाता है हमारे पास y स्क्वायर। फिर दोनों टर्म्स के अंदर x z और एक बात याद रखें zx का एक ही मतलब है, तो अब हमारे पास दोनों में ये चीज कॉमन आ गई हमारे पास xz plus y स्क्वायर लिखा आपने और यहां रह जाता है x minus z, ये हमारे पास फाइनल आंसर आया। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 वो भी फैक्टराइज करने का सवाल है 1 2 3। अच्छा जरा सी मेहनत करें, अगर एक नंबर यहां पे कॉमन ले लें आप जो कि 3 नजर आ रहा है यहां पे कॉमन, 3 के टेबल में 12 भी हो रहा है, 3 के टेबल में 36 भी है, 3 के टेबल में 27। तो हमने क्या किया, पहले सिर्फ 3 ऐड एक कॉमन लिया, जैसे कॉमन लिया हमारे पास आ जाता है 12 को 3 पे डिवाइड करें 4, 36 को 3 पे डिवाइड किया 12, 27 को 3 पे डिवाइड किया तो आ गया हमारे पास 9। अब जरा देखें ये 4x स्क्वायर जो है इसको लिख दिया हमने 2x का स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस ये जो 9 है 9 किसका स्क्वायर है जी 3 का। अगर फर्स्ट हमारे पास ब्रैकेट में यहां लिखा हुआ था 2x, 2x लिखा, सेकंड नंबर पे b की वैल्यू लिखी हुई थी 3, 3 का। अब यहां पे एज ए फार्मूला, यहां फार्मूला रखता हूं मैसेज होता कौन सा बना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस b होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये फार्मूला अगर आप लगाते हैं तो उसके मुताबिक यहां पर a की वैल्यू 2x है और b की वैल्यू क्या है हमारे पास 3 है, लिहाजा ये बनेगा 3 है। तो किस लिखा आपने a माइनस b यानी कि 2x माइनस 3 होल का स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। थैंक यू।